ब्लॉग, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं वीज़ा के बारे में। और हम लोग जो इंडिया से जो लोग देख रहे हैं जो मेरा वीडियो, वो लोग कैसे अप्लाई करें यूएस आने के लिए। तो काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम लोग यूएस आना चाहते हैं, तो हम लोग कैसे यूएस में आए। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ना, यहाँ पे लेबर जॉब के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं, पर कई लोगों को नहीं पता कि उन लोगों को कैसे आना है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है और उसका प्रोसीजर क्या है, तो इसके ना दो तीन पार्ट्स बनने वाले हैं। तो एक वीडियो में हम लोग बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक वीडियो में बात करें तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज हम लोग ये इतनी ही बात करेंगे कि आप लोग पहले जो फर्स्ट स्टेप्स होता है कि आप लोग कैसे अप्लाई करें यूएस आने के लिए। तो सबसे पहले काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि हम लोग किसी एजेंट के थ्रू जाएं। एजेंट हम लोगों से 50,000 रुपये मांग रहा है। कई लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि एजेंट हम लोगों से 2 लाख रुपये मांग रहा है। तो मैं उन लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि यूएस आने के लिए कोई गारंटी नहीं है कि वो आप लोगों को वीज़ा देगा क्या। यूएस का जो प्रोसीजर है वो एकदम अलग है। यहाँ पे एजेंट के पास में कोई वीज़ा नहीं होता कि वो आप लोगों को वीज़ा दे दे। वीज़ा के लिए आपको पर्टिकुलर सेंटर बनाया हुआ है इंडिया के अंदर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, बॉम्बे एंड चेन्नई। तो आप लोगों को 5 जगह आप लोगों को जाना पड़ता है वीज़ा लेने के लिए। आप लोगों को खुद को जाना पड़ेगा वहाँ पे वीज़ा लेने के लिए। ये बात मैं आप लोगों को इसीलिए मैंने रिपीट की है क्योंकि कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एजेंट हम लोगों को वीज़ा दे देगा। दैट इज़ रॉन्ग, ये मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, दैट इज़ रॉन्ग। तो वीज़ा आप लोगों को खुद को जाना पड़ेगा देने के लेने के लिए। जो इंडिया में जो 5 सेंटर बनाए हुए हैं, राजस्थान के जो भी नियर बाई लोग रहते हैं, तो उन लोगों के लिए दिल्ली है, वहाँ पे जाना पड़ेगा आप लोगों को वीज़ा लेने के लिए। हाँ, अगर आप लोग एजेंट के थ्रू अगर जाना चाहो तो एजेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देगा आप लोगों को, आप लोगों के पेपर वर्क में आपकी हेल्प कर सकता है। आपके आपके जो वीज़ा का जो स्ट्रक्चर होता है, DS-160, जो मेन फॉर्म होता है DS-160 फॉर्म, तो वो भर सकता है आपका, पर वो आपको वीज़ा नहीं दे सकता। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही यूएस में आए थे। हम लोगों ने भी सबसे पहले DS-160 एक फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद में जो भी कंपनीज होती है वो आप लोगों को लेटर भेजती है, ऑफर लेटर। उसके बेसिस पे हम लोग वीज़ा के लिए हम लोग दिल्ली, बॉम्बे, आप जो भी सेंटर चूज करना चाहो तो आप वहाँ जाके आप वीज़ा लेके आ सकते हो। तो ये हुआ सेकेंड नंबर पॉइंट DS-160 का। तो नंबर पार्ट सेकंड है इसका। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आप लोगों को सबसे पहले कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए। सबसे पहले तो काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, जैसे Indeed.com है, LinkedIn है, Dice.com है, बहुत सारी वेबसाइट है। आप गूगल करोगे तो आप वहाँ जाके आप अपना, सबसे पहले तो आप अपना रेज्यूमे आप वहाँ पे अपना अपलोड करोगे। और सबसे मेन बात मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को जॉब जो देखनी है वो जो भी कंपनीज होती है वो आपको स्पॉन्सर कर सके। जी हाँ, आप लोगों को स्पॉन्सर कर सके, क्योंकि हम लोग जो हैं इंडियन होते हैं तो हम लोगों को वीज़ा की ज़रूरत होती है। तो वीज़ा है वो एक कंपनी है, वो स्पॉन्सर करती है। तो अगर आप जैसे कि आपने जो भी आपने जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो लेबर वर्क हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, जो भी आपका जो स्किल है, आपका बैकग्राउंड है, आप वहाँ पे डालिए Dice.com पे, LinkedIn में और Indeed.com में। बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आपको इसका डेमो भी वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आप लोग कैसे जाके आप वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो जॉब के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना रेज्यूमे बनाना है, इंटरनेशनल रेज्यूमे। आप कोई सी भी फील्ड में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, कोई सी भी फील्ड में हो, यहाँ पे रेज्यूमे की रिक्वायरमेंट होती है यूएस के अंदर। तो सबसे पहले बात ये हुई रेज्यूमे की। तो सबसे पहले आपको जॉब सर्च करना है। जॉब में आपको देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा देखना है कि आपको वीज़ा कोई भी कंपनी है वो आपको स्पॉन्सर कर रही है या नहीं। अगर जो वीज़ा आपको स्पॉन्सर नहीं कर रही है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो।
और जस्ट फॉर एग्जांपल आपने डाला है कि आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो, तो आप वहाँ पे डालोगे एग्रीकल्चर जॉब्स इन यूएसए, और आप पर्टिकुलर बहुत सारी स्टेट्स होते हैं, आप उसका नाम भी डाल सकते हो। जैसे आप लोगों को कैलिफोर्निया जाना है तो आप एग्रीकल्चर जॉब इन कैलिफोर्निया, एग्रीकल्चर जॉब इन टेक्सास, बहुत सारे 50 स्टेट्स हैं, आप कोई से भी स्टेट में डाल के आप देख सकते हो। बट आप लोगों को नीचे जाके देखना है कि जो आप लोगों को वीज़ा स्पॉन्सर कर सके, आप उसी पे आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए, जॉब के लिए। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो कंपनी है वो आपको रीच आउट करती है, आपको आपके रेज्यूमे को देखती है कि आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो या नहीं। नहीं तो उसके बाद में क्या होता है कि वो कंपनी आपको, अगर आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो वो कंपनी आपको लेटर भेजेगी, आपको ऑफर लेटर भेजेगी। उस बेसिस, उस लेटर के बेसिस पे आप लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा। तो उस जो भी इसका प्रोसीजर होता है ना, वो सिर्फ एक DS-160 फॉर्म होता है। तो वो DS-160 फॉर्म आपको पूरा फिलअप करना है, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। पर फर्स्ट स्टेप्स है वो आपको पहले जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो जॉब अप्लाई करने के बाद में आपको क्या करना है कि आप जस्ट वेट एंड वॉच कि जो भी कंपनी है वो आपको रीच आउट करेगी। कई बार क्या होता है कि कई बार कंपनियां थोड़ा टाइम लगाती है क्योंकि वो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी लेती है, तो इस प्रोसेस में कई बार 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी लग जाता है, हो जाता है 2 महीने में भी हो सकता है। तो हम लोग भी ऐसे ही US के अंदर आए थे, और ऑनेस्टली बोलूँ तो आप लोग ऐसे नहीं कि भाई बस 5 जगह अप्लाई कर दिया और आप बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर दिन 10 या 15 मिनट निकाल के आप 5 या 6 कंपनीज में आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम मैं आपको बोलूँगी कि आप 200 से 300 कंपनीज में तो अप्लाई करो ही करो, तब जाके क्या होता है कि 5 या 6 जगह आपका सिलेक्शन होता है। क्योंकि हम लोगों को क्या होता है कि इंडियंस को वीज़ा की जो ऑफर लेटर की होती है वो रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि आप लोग इंडिया में जॉब करते हो तो इंडिया का, इंडिया में ही आप जॉब कर रहे हो तो आपको कोई वीज़ा कुछ भी आपको ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को। और जो US है वो इंडिया से जो भी लोगों को बुलाता है तो वो ऑफ़र लेटर देता है। फिर हम लोगों को क्या होता है कि एम्बेसी में जाना पड़ता है, तो वहाँ जाके फिर हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों का एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कई लोगों को अगर इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ पे हिंदी के भी लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं, तो वो ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो वो आपको जो भी एम्बेसी में होते हैं इंग्लिश वाले, तो वो ट्रांसलेट करेंगे। तो फिर आप लोग वीज़ा भी आप अपना इजीली आप ले सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो डिपेंड करता है आप लोगों के बिहेवियर के ऊपर कि आप लोग कैसे इंटरव्यू दे रहे हो। आप लोग अगर अच्छे से स्माइल करके इंटरव्यू दोगे तो डेफिनेटली वो लोग हाँ ही बोलेंगे। बट नो आर्ग्यूमेंट, वहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट मत करना कुछ भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो। तो ये तो बहुत थर्ड स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप्स तो आपको मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों को सबसे पहले अप्लाई करना है, आपको अपना रेज्यूमे बनाना है। तो सबसे पहला प्रोसीजर तो अप्लाई ही करना है आप लोगों को। फिर उसके बाद में वेट करना है कि जो भी कंपनीज है वो आपको बुलाएगी, और जो भी आपको सिलेक्शन होगा आपका तो वो आपको एक ऑफर लेटर देगी। उसके बाद में सेकंड स्टेप्स आता है DS-160 फॉर्म का, तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैंने आपको पहले ही बोला था। और थर्ड स्टेप्स होता है कि जो भी कंपनी है वो आपको ऑफर लेटर देगी US आने के लिए, तो वो ऑफर लेटर लेके आप लोगों को US एम्बेसी जाना है। जस्ट छोटा सा प्रोसीजर है, इसके लिए कोई एजेंट वगैरह की कोई ज़रूरत ही नहीं होती पहली बात तो ये। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई एजेंट वेजेंट नहीं होता कि आप लोगों को वीज़ा दे दे। वीज़ा तो आपको डेफिनेटली आपको लेने के लिए जाना ही पड़ेगा, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको, आप घर बैठे हो आपके लिए वीज़ा आ रहा है, दैट्स रॉन्ग। कई लोगों ने मुझे बोला तो मैं थोड़ा उस टाइम अपसेट भी हूँ कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग भी ऐसे ही थे कि जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था तो हम लोग भी पहले DS-160, पहले तो पासपोर्ट तो है आजकल मोस्टली सब लोगों के पास अवेलेबल होता ही है, तो उसके बाद में DS-160 फॉर्म होता है। और DS-160 फॉर्म में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपके रेगुलर बेसिस आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके अंदर वही होती है, आपका घर का एड्रेस, आपका पूरा नाम, और आपका, आपके पेरेंट्स का, आपकी जो भी आपने क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, आपका जो बैकग्राउंड से रिलेटेड होता है वो सब इन्फॉर्मेशन होती है, और आपका जो आईडी होता है इंडिया में, क्या चलता है अभी आईडी, वो
पैन कार्ड वगैरह है वो सब उसकी इन्फॉर्मेशंस वगैरह होती है। मुझे तो मैं थोड़ा भूल गई क्योंकि काफ़ी साल हो गए मुझे इंडिया छोड़े हुए, तो इतना आइडिया नहीं है मुझे अभी। पर उसमें बेसिकली जो भी आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो ही उसके अंदर होती है। और अगर उसमें अगर आपको किसी को हेल्प चाहिए होती है, तो मैं तो डेफिनेटली आपको बोला कि मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो वो जस्ट सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद में DS-160 के बाद में, और जो उसकी जो फीस होती है वो सिर्फ अराउंड 15,000 रुपये होती है। दैट्स इट, 15,000 रुपये उस DS-160 फॉर्म की जो वीज़ा की फीस होती है वो सिर्फ 15,000 रुपये ही होती है। तो आप लोग क्यों एजेंट के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि एजेंट तो वैसे भी आपको वीज़ा नहीं देने वाला है, वीज़ा तो खुद को आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए। और उसके बाद में तो वीज़ा का प्रोसीजर है, फिर तो वेलकम टू USA। तो मेरा जो वीडियो है वो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम लोगों को आना है। तो मेहनत आपको करनी है, US आपको आना है, तो आप लोग अप्लाई करें। आप इजीली आप लोग आ सकते हैं US के अंदर। और हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनीज होती है वो आपको थोड़ी कम सैलरी में बुलाती है, क्योंकि क्योंकि वीज़ा में भी उन लोगों का काफ़ी खर्चा वगैरह लगता है, क्योंकि वीज़ा की उन लोगों की कंपनी भी वीज़ा के लिए लॉयर हायर करती है, तो उसमें भी थोड़ा सा पैसा लगता है, उन लोगों का डॉलर्स लगते हैं। तो इसीलिए कई बार क्या होते हैं कि जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो कंपनी एम्प्लॉयर को थोड़ा कम सैलरीज देती है। पर धीरे 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 एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो डेफिनेटली वो आपकी सैलरी इंक्रीज़ करती ही करती है, चाहे कोई भी फील्ड में ले लो, चाहे आप एग्रीकल्चर हो, सब कुछ हो। और हाँ, मैंने मैंने अपना एक वीडियो पहले ही बताया आप लोगों को, एक मैं आपको आप ऊपर देख सकते हो कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीज़ा होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, कंस्ट्रक्शन जोन हुआ, H-1 पे हुआ, L-1 हुआ, और साइंस डॉक्टर, उसमें भी मैंने एक वीडियो बनाया। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें देख सकते हो आप लोग कि आपके स्किल, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड आप कोई भी एक अपना वीज़ा टाइप्स होता है वो आप चूज़ कर सकते हो, उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग एजेंट से थोड़ा बच के रहें, और जो भी अपना ये जो अप्लाई करना है वो खुद करें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैंने आपको ये भी पहले बताया है कि बस अप्लाई करते रहो आप लोग, ऐसा नहीं कि बस एक पांच छह जगह अप्लाई किया और आप बैठ गए, ऐसा मत करना। मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट अपना निकाल के आप बैठो और अप्लाई करते रहो। 1 साल 6 महीने में होएगा ही होएगा, डेफिनेटली होएगा आपका। तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगे। और अगर आप लोगों को कोई भी US से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ हमें YouTube में आप कमेंट छोड़ सकते हो आप हमें, तो मैं डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगी। और अगर आप मुझे पर्सनली, कई बार क्या होता है कि फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू अगर आप मैसेज करते हो, तो कई बार क्या होता है थोड़ा सा मिसप्लेस हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेज वगैरह आए हुए रहते हैं। तो यूट्यूब में क्या होता है कि वो एक मेरा पर्टिकुलर टाइम है, तो मैं वहाँ पर जाके वो मैसेज सब सारे रीड कर लेती हूँ, तो मैं आंसर दे दूँगी उस टाइम। तो अभी ना आप लोग ध्यान से देखना कि मैं डेमो देने वाली हूँ आप लोगों को, कि आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है और कैसे अपना अकाउंट बनाना है और कैसे सब कुछ। आपको जॉब पे अगर आप क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी नीचे क्या कि रिक्वायरमेंट्स आती है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उन लोगों की, एजुकेशन्स वगैरह जो भी, और कौन सा जो जॉब है वो वीज़ा स्पॉन्सर कर रहा है या नहीं। क्योंकि अपने को क्या होता है कि वीज़ा की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, अपने को लेटर चाहिए होता है, ऑफ़र लेटर एम्बेसी जाने के लिए, दिल्ली, बॉम्बे, जहाँ भी आपको जाना है। तो ध्यान से देखना। अभी देखो मैंने Indeed.com मैंने ओपन किया है, तो इसमें आप देख सकते हो कि Indeed.com ऊपर ब्लू लाइन में है, लिंक है, और नीचे मैंने डाला है व्हाट नर्स वीज़ा स्पॉन्सरशिप। तो इसमें आप देखना कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, और जैसे कि मैंने डाला हुआ है इसके अंदर वीज़ा स्पॉन्सरशिप फॉर USA नर्सिंग स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे ब्लू ये जो देख रहे हो ब्लू कलर, तो आप यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो। बट नीचे आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी डिटेल आपको पढ़नी है कि उस आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए, और ये जॉब्स कहाँ पे है, तो सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। अप्लाई आपको करना है, और ऐसा नहीं कि आप एक जॉब में अप्लाई कर दिया और आप बैठ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हर स्टेट में और हर जगह आपको अप्लाई करना है, और इसमें जैसे कि F-1 वाले भी हैं, OPT वाले भी हैं, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए भी है, जो इंडिया से यहाँ US में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी है, जैसे कि H-1 वीज़ा का भी है यहाँ पे, नर्स नर्स की जॉब भी है यहाँ पे।
और अभी हम दूसरी जगह बात करें तो ये है Indeed.com। तो अभी ये अभी अभी देखो, जैसे कि मैंने लिखा है इसके अंदर RN हॉस्पिटल वीज़ा स्पॉन्सरशिप, तो ये हॉस्पिटल के लिए है। तो रजिस्टर्ड नर्स है इसके अंदर भी, देख लो आप, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। और नीचे का आपको पूरा अभी जो है वो दूसरी वेबसाइट है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि LinkedIn.com, Indeed.com, Dice.com। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ZipRecruiter.com। तो यहाँ पे भी देखो मैंने डाला है कि नर्स स्पॉन्सरशिप, क्योंकि हम लोग इंडियन को वीज़ा चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी स्किल है, वो आप यहाँ पे डालिए और नीचे देखिए कि आपको जॉब्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आपको पीडियाट्रिशियन की भी है, और देख सकते हो कोड कार्डियोलॉजिस्ट की भी है, और नर्स की भी है, थेरेपिस्ट की भी है, और पार्ट टाइम भी देख सकते हो, फुल टाइम भी देख सकते हो। बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, और इसमें कई जॉब्स में बेनिफिट्स भी दिखाते हैं कि आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि ये क्या इंश्योरेंस वगैरह हुआ, काफ़ी चीज़ें बेनिफिट्स होती है, इंश्योरेंस होती है, और आपका 401K है, और आपका जो हॉलीडेज वगैरह हैं, काफ़ी बेनिफिट्स कंपनियां देती है आपको। तो ये हुआ जिप रिक्रूटर के बारे में। तो अभी आप हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सिंपली Hired.com के अंदर। तो ये भी एक वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो अभी आप इसके अंदर भी देख सकते हो, बट आप लोगों को देखना है कि कौन सी जॉब आपको स्पॉन्सर करती हो। मैंने आपको पहले भी मैंने बताया है कि जो इंडियन से जो इंडिया से जो लोग US में आते हैं, उन लोगों को स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। अभी आप देख सकते हो कि मैंने ब्लू सर्कल किया हुआ है वहाँ पे, एग्रीकल्चर जॉब स्पॉन्सरशिप। ये सिंपली Hired.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी देखो कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। आप US के 50 स्टेट हैं, तो आप कोई भी एक स्टेट डाल के देख सकते हो। कई स्टेट में बहुत सारी सिटीज भी होती है, तो आप वहाँ का भी आप देख सकते हो जॉब डाल के। और आप देख सकते हो कि ये जॉब डिटेल है यहाँ पे, फुल टाइम भी है, पार्ट टाइम भी है, काफ़ी सारी बेनिफिट्स भी है, हेल्थ सेविंग अकाउंट है, डेंटल इंश्योरेंस है, और एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलते हैं यहाँ पे। और क्वालिफिकेशन भी है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, अब जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रोडक्शन वर्कर हुआ, और नर्स का हुआ, एग्रीकल्चर का हुआ, बहुत सारी जॉब्स हैं यहाँ पे। आपको अप्लाई खुद को करना है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये वापस से Indeed.com आ गया। तो मैं यहाँ पे देखो कि ना फार्मिंग वीज़ा स्पॉन्सरशिप है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जब भी आपको जॉब अप्लाई करना है, तो आपको स्पॉन्सरशिप डालना ही डालना है, क्योंकि हम लोगों को, इंडियंस को स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है, तो ये भी USA की ही जॉब है, तो इसमें आप देख सकते हो। तो ये जॉब्स हैं, ये आप लोगों को स्पॉन्सर करने वाली है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं LinkedIn.com की। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी IT की जॉब्स अवेलेबल हैं, तो ये सब की सब स्पॉन्सर करने वाली है हम लोगों को। तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको एक अपना ईमेल एड्रेस चाहिए होता है, आपकी जॉब ड्यूटीज़ पढ़िए, ओवरव्यू पढ़िए, रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़िए, क्वालिफिकेशन पढ़िए, पूरा डिटेल में पढ़ के फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं Dice.com की। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी IT की जॉब्स अवेलेबल हैं। आप ऊपर सर्च भी कर सकते हो, अगर आपको किसी और फील्ड में जाना है, तो आपकी जो भी स्किल है, आपने क्या आपकी क्या एजुकेशन है, आप वो डाल के भी देख सकते हो। फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। और ये जितनी भी सारी जॉब्स मैंने बताई है, ये सब की सब स्पॉन्सर करने वाली है, तो मीन्स अपने को स्पॉन्सर करेगी वीज़ा के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल, और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे क्या थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो जो लोग नए हैं मेरी वीडियो में, तो प्लीज़ उन लोगों को रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर करें और लाइक करें। बाय, और मिलते हैं नए वीडियो में।